कोई दिमागी संतुलन जिसका खराब था कोई आया था यहाँ पर? यहाँ तो नहीं आया था, दरगाह में दिमागी मौके पर रहते हैं और यहाँ तो आता तो मौके पर मालूम रहता। तो मतलब यहाँ कहते ना बस खारी में बांध के रख रखे रस्सी से, तो यहाँ पर आता तो यहाँ पर शोर हो जाता। हम लोग सुनते नहीं, यहाँ बांध के रखते हैं तो सुनते जरूर। तो देखिए बता रहे हैं पापा जी कि हाँ कोई नहीं आया, या हम लोग अगर होता तो हम बांध के रखे होते तो पता चल जाता कि हाँ यही कोई दिमाग की संतुलन है भाग के आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों सच्चाई यही है कि यहाँ कोई नहीं आया है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आप लोग कैसे दोस्तों, आशा करते हैं यहाँ कि आप अच्छे होंगे। और मैं आई हूँ अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर मैं खड़ी हूँ। ये वहाँ का पुल है, ये मजूही नदी है और यह मेरे संग है जलालपुरिया। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं मेरी दीदी हम लोग आज हम लोग जा रहे हैं इनके मैके जा रहे हैं मैके। आज हम इनके बस खारी जा रहे हैं इनके मैके। तो चलिए हमारे संग इसी तरीके आप लोग बने रहिएगा, तो वहाँ का हम लोग व्यू नज़ारा दिखाएंगे। तो आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? आप सभी को नमस्कार। तो आज होगा भंडाफोड़ करने जा रहे हैं आज हम रंगीला भाई के ससुराल पर, और हम खड़े हैं इस वक्त मजूही नदी है और जो कि कहीं आगे जाकर आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर की सीमा को डिवाइड करती है। और मेरे ठीक सामने आप स्कूल देख रहे होंगे, वो है राजापुर भिटोरा का स्कूल। बहुत दूर है पर यहाँ से निकिता किलर नहीं नजर आएगा, उधर है राजापुर भिटोरा। हमने अमेजिंग आजमगढ़ की वीडियो शूट की थी बच्चों की स्कूल की। और चलिए फिर लगातार बने रहिए आप हमारे साथ, वहीं चलते हैं। जलालपुर के पुल पे आके खड़े हैं जो कि तमसा नदी है, देखिए दोस्तों बह रही है यही। और इसमें इतनी काई है ना कि बिल्कुल पानी साफ नहीं है। तो इनका घर जो है कि यहीं से कुछ दूरी पे है। मेरा घर दोस्तों देख लीजिए, वहां दिख रहा है इनका घर है, इधर ही है वो, देख लीजिए वही। हाँ इनका घर यहीं पे है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ, निकाल आइए यहाँ पे थोड़ा सा खड़ा होके रेस्ट भी हो जाएगा और वीडियो भी बन जाएगी हमारी ना। तो आप लोग बने रहना बने रहिएगा। और हम लोग किशोरसा दरगाह पहुंच चुके हैं, देखो मेरे पीछे हैं। हाँ हमारे भैया की ससुराल है बस खारी। फिलहाल हम लोग किशोरसा पहुंच गए हैं, वहाँ का व्यू दिखाएंगे। ये देखो कितना गंदा है किशोरसा दरगाह के पास, बाप रे तो सारा कूड़ा यही आता है सारा। यही दरगाह है जहाँ पर गोरखपुरिया सरोज सब खो गई थी, तो हम ही लोग आए थे ढूंढे थे। छोछा की गाड़ी खड़ी है, सॉरी की छोछा। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। किधर चलोगे? इधर से बहुत दूर दूर से आते हैं सब की छोछा। ये देखो सारी बस की छोछा की है, ये बंगाल की बस है, सब बंगाल से आए हैं। सही जौनपुर की है ये चंदौली चंदौली गाजीपुर झारखंड की। कहाँ है बस खारी? ये बस खारी है। चलो
चलो दोस्तों हम बस खाली दिल्ली वाली बस चले जाओ पकड़ के। नहीं मुझे नहीं जाना दिल्ली वाली बस, अभी जाएँ वहाँ जाऊँगी। हम लोग बस खारी चौक पे आ चुके हैं, यहाँ का बाज़ार है, ये देखिए दोस्तों कितनी भीड़ है यहाँ पर, और हम लोगों की हालत भी होगी। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, चारों तरफ भीड़ है, कितना ट्रैफिक है। बस खारी रास्ते में पुलिस वाले से भी पूछा गया और लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि कोई ऐसी घटना यहाँ पर हुई ही नहीं। दोस्तों हम सुबह इंदल के बताए हुए लोकेशन यानी गढ़वा गांव के लिए हम निकल चुके थे जो कि बसखारी से थोड़ा आगे था। तो अभी हम जा रहे थे रास्ते में, तो ये है अतरौलिया वाला हाईवे आप देख सकते हैं। तो फिर यहां से हम घूमकर ये इनकी ससुराल का रास्ता जाता है जो, तो वहां पर हम जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के पास से बाजार के साइड वाला चलो देखिए बाजार की साइड बता रहे हैं। अरे 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 खड़े से के लिए क्या करना बाजार पचास बार लगा चुका हूँ नहीं उठा। मतलब वो रिश्तेदारी में था और इसका प्री प्लान है। तो जो सुबह इन लोगों ने वीडियो डाली तो मैं उसके लोकेशन पर आया हूँ। ये देखिए बाज़ार है, शुक्ल बाज़ार इसको कहते हैं, और बगल में था गढ़वा जहाँ बताया गया था पूरा फ़ोन मोबाइल पर। तो मैं पूरा सर्च करने के बाद अभी फाइनली ये जगह है रामवीर सराय ग्राम पंचायत और जो कि बसखारी में आता है। और सुबह इन्होंने वीडियो डाली थी कि हम बसखारी में मिले हैं, है ना। तो ये बात इनकी सरासर गलत है, ये लोग पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और ऐसे ही यूट्यूब पर लोग गंदगी मचा रहे हैं। हाँ
अच्छा हाँ वो तो हमको पता है रिश्तेदारी में था, लेकिन ये कहाँ से? अभी देखो जब इसने सवेरे बताया था ना, जब हमने पूछा भी था तो इसने गढ़ा गांव बताया। गढ़ा गांव मैंने पूरा सर्च मारा, नहीं है। गढ़ा गांव से थोड़ा सा आगे होता है शुक्ल बाजारी, मेन मार्केट में हम लोग खड़े हैं। पीछे घुमा के दिखाओ, ये मेन मार्केट है शुक्ल बाजारी की, और हम लोग चार लोग। ये देखो ये प्राइमरी स्कूल है और लिखा हुआ है प्राइमरी स्कूल पे, मैं आप लोग दिखा दूँ। देखिए वो फोन भी नहीं उठा रहा, जो क्या नाम था उसका जो सवेरे साथ में वीडियो बना रहा था। प्लान है तो ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल में जो है इंफॉर्मेशन। चलिए ये जो सुबह नंबर, ये देखिए आप लोग, जो सुबह वीडियो बना रहा था बैठ के उसके बगल में, ये तब से जब से बताया लोकेशन और अब फोन नहीं उठा रहा। ये देख लीजिए, इनकी सच्चाई ये है। ये नंबर देखिए, यही नंबर है तो ये लोग ड्रामा मचा रखते हैं। नहीं देगा उत्तर, क्यों देगा उत्तर? नहीं देगा क्योंकि इन्होंने खुद ही उत्तर कहाँ मचा रखा है, उत्पाद मचा रखा, तो उत्तर कहाँ से देंगे जी। हाँ सब ये पब्लिक को खाली गुमराह कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, अभी हम बात करते हैं। हम लोग यहाँ बसखारी में अभी खड़े हुए हैं और देखिए ये लोग बैठे हैं, पानी वानी आ चुका है। और ये पापा जी हैं इनके, जो इधर देख पहले हम लोग घर पे आए हुए हैं। हम लोग कहे थे हमारे मैं के हम अपने आए हैं, हम दीदी और देख लीजिए मेरे पापा आए हैं। पापा जी हैं, पापा से थोड़ी सी बात करेंगे हम, पूछेंगे। तो चलिए पूछते हैं पापा से। हाँ पानी पियो आप लोग। तो पापा मैं आपसे एक बात पूछना चाह एक बात पूछते हैं, यहाँ पर कोई दिमागी संतुलन जिसका खराब था कोई आया था यहाँ पर? यहाँ तो नहीं आया था, दरगाह में दिमागी मौके पर रहते हैं और यहाँ तो आता तो मौके मालूम रहता। तो मतलब यहाँ कहते ना बस खारी में बांध के रखे हैं रस्सी से, तो यहाँ पर आता तो यहाँ पर शोर हो जाता। हम लोग सुनते नहीं, यहाँ बांध के रखते हैं तो सुनते जरूर। तो देखिए बता रहे हैं पापा जी कि हाँ कोई नहीं आया, या हम लोग अगर होता तो हम बांध के रखे होते तो पता चल जाता कि हाँ यही कोई दिमागी संतुलन है भाग के आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों सच्चाई ये है कि यहाँ कोई नहीं आया है। और एक चीज बताऊं, जो उसने लोकेशन बताई थी गढ़ा, हाँ फोन पर गढ़ा बताया था। हाँ। मैंने गढ़ा शुक्ल बाजार और ये कौन सा गाँव है, अगल बगल जो इतना है सब खोज मारा हूँ, बस खारी में पूछा। ये लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं और इनका पर्दाफाश आज रात में होगा। चलिए तो दोस्तों वीडियो में जो कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाई है तो वो भोजपुरी मिश्रित लैंग्वेज है, और बसखारी वगैरह ये जो क्षेत्र आता है यहाँ अवधि बोली जाती है। और आप साफ देख सकते हैं जो रिकॉर्डिंग में जो आवाज़ आ रही है वो उधर की है, ये किसी की मिली भगत है, और उस आवाज़ को मैं साफ पहचानता हूँ। और उसका भी वंडा फोड़ एक दो वीडियो बाद हम जरूर करेंगे। भाभी को भी ले लें, भाभी की आवाज़ भी है और हम इनसे आज पहली बार मिले हैं सच्ची में। हमने कहा चलते हैं। तो भाई बताइए आप कैसी हो, बोलिए। भाभी कह रही हम कहा बोले कुछ बोला ना। हाँ ठीक है। अच्छा पर देखिए नहीं बोली है तो कभी कैसे बोल देंगी, फिलहाल तो ठीक है। पापा है।